नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनकी पत्नी और एक सहकर्मी की मौत हो गई, जबकि श्रीपद नायक को गोवा के एक अस्पताल में भर्ती किया। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी ने अपने विधायक की मीटिंग बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के फॉर्म पर होगी मीटिंग। भारत में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,584 नए मामले सामने आए। वहीं मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक गांव में 3 और बागचीनी इलाके में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली में धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने वाली लड़की ने अपने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पति के साथ ससुर को किया गिरफ्तार। जयपुर में कुत्ता घुमाने के दौरान महिला की टोकाटाकी करने से नाराज एक शख्स ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शख्स को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई शुरू की। और वहीं दिल्ली में बिहार से भागकर आई एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की गई। आरोपी जब रेप करने में नाकाम रहा तो उसने चाकू की नोक पर लड़की के पैसे छीन लिए और मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस ने ड्राई फ्रूट्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को सेक्टर 50 से किया गिरफ्तार। आरोपियों ने लोगों से लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में एक शख्स 2 महिलाओं को इंस्टाग्राम पर परेशान कर रहा था, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत साइबर सेल से की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 24 वर्षीय आरोपी अंगद सिंह को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सनसनी के हत्याकांड को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी की जानकारी देने वाले पर 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। और वहीं लखनऊ में अजीत सिंह शूटआउट का एक आरोपी कन्हैया विश्वकर्मा दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैया के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में जुटी। अहमदाबाद में चोर दमकल विभाग की डेड बॉडी वैन चोरी करके फरार हो गया। दमकल विभाग ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। वैन चोर को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने वैन को बरामद किया। बठिंडा में एक शख्स ने नाती होने की खुशी में की गई हर्ष फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार शख्स की तलाश शुरू की। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। वहीं पुलिस पार्टी की तरफ से एक दरोगा भी घायल हो गया है। कुल 9 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने बदमाशों से 1 दर्जन से अधिक कारतूस, आधा दर्जन असले भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला ने 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दोनों पक्षों में रंजिश का मामला सामने आया। सीओ का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने तस्करी के गोरखगंधे का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे कछुओं की बड़ी खेप जब्त की है। जब कछुओं की कीमत करोड़ों रुपए में आकी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इन कछुओं को लखनऊ से भूटान ले जाया जा रहा था। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके पास से कार्बाइन और अन्य हथियार बरामद किए हैं। पुलिस 3 अपराधियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी। जयपुर में बदमाशों ने आरएएस के एक अधिकारी की 55 वर्षीय बहन को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। अंबाला जिले में एक महिला नेत्री की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आरोपी ने भी सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के खंडावा में एक दुकानदार ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार को किया गिरफ्तार। अनुष्का ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करके अपने पिता बनने की खबर फैंस के साथ साझा की है, जिसके बाद उनकी बेटी की पहली तस्वीर भी सामने आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और एक्टर सैफ अली खान जल्दी अपने नए आशियाने में शिफ्ट होने वाले हैं। इसी मौके पर करीना कपूर ने अपने पुराने घर में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई। साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में है, जहां पर उनको अब अस्पताल में क्वारंटीन किया। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारतीय खिलाड़ी और खासकर मोहम्मद सिराज पर 3रे टेस्ट के दौरान की गई नस्लवादी टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दर्शकों का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।